जिस पावै तिस दे। अर्थ बड़े सरल ने, पार ब्रह्म परमेश्वर दातार ने दाता अपने हाथ विच रखिया ने, उस दी मर्जी है जिसनु मर्जी दात देवे, क्योंकि दाता जोर नाल नहीं मिलदियां, दाता उदे तरस नाल मिलदियां। जोर नाल कोई दात मिलदी होवे, हर इंसान ताकत नाल दात ले लवे, पर असलियत वे कि दात परमात्मा दे अपने हाथ विच है,
अज दुपहरे भी संत सागर एक अर्ज मैं करके आया, कोई चीज भी प्राप्त होंदी है उनु अपने कर्मा नल जोड़न दी थां उदी किरपा नल जोड़ के देखिए। जैसी कहांगे सी अपने कर्मा नल प्राप्त कीता, साडा उदम साडी मेहनत अपने कर्म विच इगो है, किरपा दे विच समर्पण है। गुरु अंगद देव जी दा ए पवित्र श्लोक ए कनेही दात आपस ते जो पाईए, आपस ते जो पाईए दा अर्थ है अपनी मेहनत नाल अपनी कमाई नाल। जे दात अपनी कमाई नाल मिले फिर वो दात लफ्ज ढुकेगा नहीं, वो ता तेरी मेहनत दा फल है। ए कनेही दात आपस ते जो पाईए, महाराज कहते नानक सा करमात, करमात दा अर्थ बख्शिश। साहिब तुठ है जो मिले, जो तरस करके दे देवे असल च ओ ही बख्शिश कह। आ कदी बख्शिश हुई जड़ी अपनी कमाई नाल असी लई है, बख्शिश सिर्फ ओदी नवाजिश हुंदी है। भाई साहब पढ़ रहे सन, आओ जो लड़ीवार इतिहास आपां प्रारंभ कीता सी, भावें सिर्फ एको पंची झात ही इन्हां दिनां विच आप जितने हजूर दे चरणां विच उपस्थित हो, सुभाए मान हो, असीस बख्शो, तां जो भावना नाल आप जी दी गुरमत विचार राहीं सेवा कर सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परसों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जीवन जी दे जीवन दी आरंभता, उन्हां दा पटना साहिब दी धरती ते आगमन और पंजाब दी धरती तक आउना, उस विच सिर्फ इन्नी कु बेनती कीती सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सन्मान योग पिता सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्हां दी वध तो वध सोहबत 3 साल सवा 3 साल ही प्राप्त कीती है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने श्री आनंदपुर साहब नगर वसाया है। उस वक्त दे लाचार ते दुखी कश्मीरी पंडित सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चरणा चाहे, चलो इस सारे असी इतिहास चो जानू, उन्होंने अपने वालों पुकार करके कहा कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे सपुत्र गुरु तेग बहादुर जी, आप जी कृपा करो साड़ी बांह पकड़ो, तुहाडे तो बिना साड़ी बांह पकड़न वाला कोई नहीं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्होंने पुकार सुन के उन्होंने दी बांह पकड़ी। हजूर श्री आनंदपुर साहब की धरती तो चले, आगरे गिरफ्तारी हुंदी है ते दिल्ली 10 नवंबर 1675 नूं 3 सिख शहीद किए जाते हैं। 11 नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद किया जाता है। मैं सिर्फ आरंभ च गुरबाणी की रोशनी च अर्ज करांगा, जिहड़ा दरअसल क्योंकि तुहाडे सूझवान तुसी बहुत बैठे हो, शहीद लफज पूर्व दा नहीं, शहीद लफज असल च अरबी दा है। शहीद और शहादत दोनों लफ्ज़ जेड़े ने इन्हां दा संबंध अरबी नाल है, अर्थ बड़े सौखे ने।
शहीद का अर्थ है गवाह, ते शहादत का अर्थ है गवाही। क्योंकि इस लफ्ज नूं ध्यान नाल थोड़ा जिहा सुनियो, गुरु ग्रंथ साहिब विच शहीद लफ्ज सिर्फ दो वारी वरत्या गया, तीसरी वारी किते शब्द शहीद नहीं आया। पहला इस शहीद लफ्ज की वरतों गुरु नानक साहब महाराज जी की रचना विच है, दूसरी शहीद लफ्ज की वरतों भगत रविदास साहब महाराज जी की बाणी विच है। गुरु नानक साहब जी दे बोल ने पीर पैगंबर सालक साधक सौदे और शहीद, उत्थे लफ्ज पहली बारी शहीद आए। दूसरा गुरु ग्रंथ साहब का मलार राग है, उस विच हजूर ने यह शब्द वरत्या है भगत रविदास साहब जी ने, मानिए शहीद का लफ्ज वरत्या है। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब विच दो वारी शब्द शहीद और शहीदा आया है। जे असी शहीद के कॉन्सैप्ट देखिए शहीद की है, क्योंकि शहीद लफ्ज नाचन ले सू इस्लामिक मत थोड़ा बहता जरूर वाचना पेगा, क्योंकि भारत में शहीद लफ्ज है ही नहीं सी। ई कह लव कि गुरु अर्जुन देव की शहादत ही एक नवी क्रांति लैके आई है। बलि है, पर बलि का अर्थ परोपकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच आरे नाल चीरन का जिक्र किया जाता है, पर जिस ढंग नाल भाई मती दास आरे नाल चीरे गए वह आरे का कॉन्सैप्ट नहीं सी। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन होंदा है, मन कामना तीर्थ जै बसियो सिर कर वत तराए, मन की मैल ना उतरे ए बिद जे लख जतन कराए। उत्थे क्योंकि बनारस विच आरा है, अपने स्वर्ग की प्राप्ति लई अनडिठे सुख की प्राप्ति लई लोग अपना आप सब कुछ दान करके उस आरे दे नाल अपने आप नूं चरवा लैंदे ने। पर याद रखियो, पारोपकार की खातर किसी की बांह पकड़न की खातर नहीं, वह आरे नाल चीरिया जाना अपने अदृष्ट सुख की गल कर लवा, स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। पर जिहड़ा शहीद लफ्ज है, असल च इस्लाम विच शहीदां दे पंज दर्जे, साडी गुरमत च की है, साडी तवारीख च की, असीं उह वी देखांगे। इस्लाम दे अंदर पहला दर्जा है शहीद, दूसरा दर्जा है शहीदे करबला, तीसरा दर्जा है शहीदे आजम, चौथा दर्जा है शहीदे वतन, ते पंजवा दर्जा है शहीदे मुहब्बत। पांच दर्जे, पर उंज दिस दी थोड़ी जी व्याख्या करिए। शहीद का अर्थ है गवाह, नेकी दे रस्ते ते चलण वाला, अपने शरीर का बलिदान दे जाए, उहदा शरीर बिरस जाए, उहदे लई लफ्ज शहीद वरत्या जाता है। उंज दास बेनती करे, कुरान विच सूझवान सज्जन कहिंदे ने इस लफ्ज की वरतों 35 वार कीती गई शहीद। पर उत्थे कहा जाता है कि बंदे तू आ कर्म कर, अल्लाह इस गल का शहीद है, इहदा मतलब इस गल का गवाह है। उत्थे शहीद अर्थ करना मलना नहीं। इस्लाम विच तां इवन के जेड़ा बंदा बीमारी नाल संघर्ष करदे आ मौत हो जाए उन्हूं भी शहीद कहिंदे ने, घट्टो घट संघर्ष करता होया गया है, उहदे लई लफ्ज शहीद है। दूसरा दर्जा है शहीदे करबला। सानू सब नू पता है कि करबला दे मैदान विच हज़रत मुहम्मद साहब दे दोते हज़रत अली और बीबी फातमा जी दे बेटे हसन ते हुसैन जिन्हां दी शहादत होई, उस तप दे कोई मारू थल दे विच वह जदों मारे गए, उस करबला दे मैदान विच जेड़े मारे गए उन्हां दी लफ्ज वरत्या गया है कि शहीदे करबला, करबला दे मैदान विच शहीद होए। पर उस करबला दे मैदान नूं कई सज्जन चमकौर दी गड़ी नाल जोड़दे ने इक घटना करके, जिवें कहा जांदा है वी बाबा जुझार सिंह जंग च उतरे ने, वह पानी पीण वास्ते वापस आए,
मैं एक बेनती करांगा, ये कवियां दे ख्याल ने कल्पना है, असल च पानी की प्यास नाल करबला दे शहीद हजरत हसन ते हुसैन का जिक्र है। उस घटना ने जोड़ के सी गुरु दे पुत्रां दी व्याख्या करिए, यह शोभदा नहीं। कोई घटना नहीं साड़ी तवारीख विच कि बाबा जुझार सिंह वापस आए होण ते क्या होवे प्यास लगी है ते पिता ने मोड़ के क्या वे चाह चला जा इत्थे पानी नहीं तेरा भरा पानी दे बाटे लैके बैठे। ये सिर्फ एक कल्पना है वाहगुरु जी। असल च करबला दे जे शहीद ने उन्हां दी याद मुसलमान मनांदे। आप ये ना सोचो मैं इस्लामी मत की गल कर लग पिया, क्योंकि शहीदी वाला कंसैप्ट पहला क्लीयर होना चाहिए है कि गुरमत विच शहीद का दर्जा की है। जदों ताजिया कट दे इत्थे तां नहीं होवेगा इन्हां मुल्कां च, पर इस्लामिक मुल्क जड़े ने इवन के भारत विच भी जिस दिन उन्हां दी याद मनाई जाती है ताजिया कढ़िया जांदा है, अपने पिंडे ते संगल मारदे ने, छुरियां मारदे ने, खून नाल अपने आप नूं लथपथ कर लैंदे ने। वह करबला दे शहीदां नूं याद पै करदे या हसन ते हुसैन नूं आवाज़ां मारदे। पहला है शहीद, दूजा है शहीदे करबला, तीसरा शब्द है इस्लाम अंदर शहीदे आजम। ये तकरीबन सारी वर्तन लग पे। असल च शहीदे आजम जेड़ा है ये पूर्व की पदवी नहीं, साडे मुल्क विच ये शब्द वरत्या जांदा है शहीदे आजम, किसी ते तर्क करके नहीं। इस्लाम विच जदों किसी शहीद नूं बहुत उच्ची पदवी देनी होवे, इवन के करबला दे शहीदां नाल दर्जा देना होवे ते उन्हूं ये पदवी दित्ती जांदी है शहीदे आजम। इहदा अर्थ है सब तो वड्डा शहीद, शहीदे आजम। चौथा है शहीदे वतन, जिहड़ा अपने मुल्क की खातर मौत नूं स्वीकार कर लैंदा है उन्हूं शहीदे वतन कहिंदे आ। ते पंजवा है जिहड़ा अपने प्यारे की खातर सिर धड़ की बाजी ला दिंदा है उन्हूं फिर शहीदे मुहब्बत कहिंदे। इह मतलब पंज दर्जे। पर बेनती करांगा गुरु ग्रंथ साहिब च ज्यादातर शब्द शहीद की थां ते मरना वरत्या। देखो जो गुरबाणी ने कह नूं ऐ टिक के मन नाल सुनियो, उत्तेजित नहीं होना मैं शब्द कहड़े वरतन लगा। गुरु ग्रंथ साहिब विच ज्यादातर शब्द शहीद की थां मरना वरते, जिवें असीं ये पाठ भी करने। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर जौ जौ तो प्रेम खेलन का चाओ वरतने, पर एक पवित्र बचन पढ़ने पहला मरन कबूल, उत्थे शहीद लफज नहीं, पहला मरन कबूल। जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास, जिवें असीं पाठ करने आ कबीर मोहे मरने का चाहो, उत्थे लफज भी मरना वरत्या। मैं बेनती करांगा जरूर इस शब्द वल तवज्जो दईए, मोहे मरने का चाहो है मरो तो हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन कै परा हमारे वाह। जदों फतेहगढ़ साहब मत्था टेकने ते जिहड़ी बिल्डिंग है इमारत है उहदे उत्ते जिहड़ा बोर्ड लिख के लाया है उहदे च इही लिखिया है कि ऐसी मरनी जो मरे बौर ना मरना होए। ये बाणी च दो वरी शलोक आउंदा है, लफ्ज उत्थे मरना ही वरत्या। इस तरह आप जी देखो दशमेश पिता जी ने भी ये लफ्ज की वरतों की अपनी रचना च, कह लगे जब आप की औद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरू शब्द वरत्या, उत्थे भी लफ्ज उन्हें मरना ही वरत्या। मैं फिर बेनती करांगा कि गुरमत दे अंदर जिहड़ी मौत है, क्योंकि यह ना समझो मैं इतिहास तो एक पासे हो गया, मेरी इच्छा है हिस्टरी आप प्रचारक अपने ढंग नाल रंग भर के सुना दे। यह भी सच है कि इतिहास किताब खरीद के भी आप पढ़ सकते हैं, पर बाणी दियां कुंडियां खोलन वास्ते सच है वे उहदी कृपा चाहीदी है। इतिहास तां मैं सुनावांगा क्योंकि मेरी मैनूं सबजैक्ट दिता गया है, ते इतिहास नूं अखां तो दूर नहीं करना। देखो शहीदां नूं कदी जिंदगी च भुलाओ ना, ते पता नहीं कि सतगुरु ने किन्नी कु कृपा कीती, जिन्ना मर्जी लोक रौला पाई जान भुल जाओ भुल जाओ, सिख कदी अपने शहीदां नूं भुल ही नहीं सकदा, क्योंकि शहीदां तो बिना इहदी अरदास ही नहीं पूरी होंदी। की अरदास पूरी हो जूगी इहदी? असीं कहिंदे आ भावें बच्चे का जन्मदिन होवे
पर असी मौत नूं नाल लैके जन्म दिन की गल कर रहे। बच्चे का आनंद कारज हो लोग कहते खुशी का काम, पर चेते रखो बच्चे दे व्याह की अरदास भी तां पूरी हुंदी है जे गुरु घर विच मर के प्रवान होया नूं चेते करांगे। कि जदों असीं इह पदा पढ़ने जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, यह मौत नाल संबंधित है, पर उंज कदी पंथ एक जुट हो जाएगा, एक सुरता कदी आएगी। तो याद रखियो अरदास की पहली पौड़ी च कोई हमाकत नहीं किसी की, अगे पंथ जिहड़ा समय के अधीन शब्दां की तब्दीली कर सकता। पंथ कह रहा कल्ला बंदा नहीं कोई। उत्थे जदों असीं तसियां दा जिक्र करने, पर मैं अर्ज करांगा उत्थे आरियां नाल चीरना, खोपरी लैनी, बंद बंद कटना, पर अगां के तसीए बिजली नाल भी मारे गए, प्रेसां नाल भी मारे गए, किन्ने गंदे तो गंदे तसीए दिते गए। पर फिर भी सोचियो, यह ना समझो भी उन्हां दा जिक्र नहीं आउंदा। पहली जड़ी तुक सी उन्हें सारे विच लै लए, जदों ये शब्द आ गया जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, ये शब्द इन्ना गहरा है किसी ढंग नाल भी मारे गए वह सारे ये शामिल हो जाते। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। हालांकि साडे कोल इक्को दियार ने भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कटिया, पर उत्थे बहुवचन च जी बंद बंद कटाए, खोपरी लुहाई नहीं खोपरियां लुहाइया। चरखड़ी ते केवल प्यो पुत्र शहबाज सिंह ते शबेक सिंह नहीं चरखड़ियां ते चढ़े। आरे नाल तां भाई मती दास दा जिक्र करने आ, पर उत्थे लिखिया आरियां नाल चीरे गए। इहदा मतलब ए सी कि गुम नाम पता नहीं किन्ने कु शहीद ने, किते एक दा नाम वरत्या दूजा रह ना जाए। देखो इच बड़ी बड़ा बड़ा वड्डा इह गहरा सबजैक्ट पता है। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दित्ते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुखाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, पर सब कुछ करके धर्म नहीं हारिया। अगली गल सिखी केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। गुरमुखो ये लफ्ज रोज असी वरतने खां कि साडे दुख सुख व्याह जन्म दिन जदों तुसी अरदास करदे हो कि शहीदां दे पदे नूं विच्चों कढ दिओगे? नहीं, ये साडी मर्यादा दा एक अंग है। फिर अर्ज करांगा कि आप उदरापन पंथ दे अंदर होर वंडियां पाएगा, मर्यादा विच ही सुख है। वैसे मर्यादा लफ्ज दे अर्थ की ने? हुण तां साडी आपो अपनी मर्यादा, याद रखो एक गुरद्वारे की मर्यादा दूजे नाली जी रलती, ये छड्डो जिहड़ी इत्थे मर्यादा थले भी उत्ते खंड पाठ वाले नाली रलनी, उस कमरे च नहीं मिलनी। उंज वैसे मर्यादा लफ्ज जिहड़ा है ये इहदे अर्थ की ने? मर्यादा लफ्ज संस्कृत का एक लफ्ज है जी मरिया, उस मरिया लफ्ज तो शब्द बनया है मर्यादा। मरिया का अर्थ मरना नहीं, उत्थे मरिया का अर्थ है कि नदी के कंडे, खाल के कंडे, सूए के कंडे, नहर के कंडे, जेड़ा पानी किनारियां विच चलेगा कंडियां विच चलेगा एक दिन वह पानी अपनी मंजिल ते जरूर पहुंचेगा। जेड़ा गुरु ते दित्ते हुए कंडियां विच चलेगा एक दिन रब दे घर तक जरूर पहुंचेगा। मर्यादा दा अर्थ किनारियां विच चलना, आप हुदरापन ना करना। फिर अर्ज है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिहड़ी मौत है इहनू जिन्ना को पाठ करके हुण समझ पई इहनू खौमे च ना लिजाणा। वाहिगुरु जी सच कह रहे हैं ते ना इहनू संगत नू प्रभाव पाउण लई भी मैं स्टडी कर रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अज तीकरा बोलता रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ने तीन तरह की मौत मनी, पर पाठ करदे एक दिन आया गुरु ग्रंथ साहिब ने चार तरह की मौत मनी। पर इस तो बाद भी पता नहीं अजे बाणी च होर किन्ना कु खोजांगे लभेगा। चार तरह की जिहड़ी मौत है उस विच पहली मौत है फिजिकल डैथ, शरीरक तौर पर जो जमया उन्हें मरना है। ये परमात्मा का एक नियम है, जां असीं बाणी च पढ़ने जो उपजो सो बिनस है,
ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੇ ਮੌਤ ਕਦੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੌਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਦਣ ਮੌਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਰੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਦੂਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੋਭਾ
ਸਦਾਈ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਤਾਰ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਾਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਉਦਮ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇਗੋ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ, ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ। ਜੇ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ, ਕਰਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ। ਆਹ ਕਾਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਓ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਮਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਬਤ 3 ਸਾਲ, 3.25 ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ
लाचार ते दुखी कश्मीरी पंडित सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चरना चाहे। चलो इस सारे असी इतिहास चो जानू हां। उन्होंने अपने वालों पुकार करके कहा कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे सपुत्र गुरु तेग बहादुर जी आप जी कृपा करो साड़ी बांह पकड़ो, तुहाडे तो बिना साड़ी बांह पकड़न वाला कोई नहीं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्होंने पुकार सुन के उन्होंने बांह पकड़ी। हजूर श्री आनंदपुर साहब की धरती तो चले आगरे गिरफ्तारी हुंदी है ते दिल्ली 10 नवंबर 1675 नू तीन सिख शहीद किए जाते हैं। 11 नवंबर 1675 नू गुरु तेग बहादुर जी नू शहीद किया जाता है। मैं सिर्फ आरंभ च गुरबाणी की रोशनी च अर्ज करांगा जिहड़ा दरअसल क्योंकि तुहाडे सूझवान तुसी बहुत बैठे हो, शहीद लफज पूर्व दा नहीं, शहीद लफज असल च अरबी दा है। शहीद और शहादत दोनों लफज जिहड़े ने इन्हां दा संबंध अरबी नाल है, अर्थ बड़े सौखे ने। शहीद दा अर्थ है गवाह ते शहादत दा अर्थ है गवाही, क्योंकि इस लफ्ज नू ध्यान नाल थोड़ा जिहा सुनियो। गुरु ग्रंथ साहिब विच शहीद लफ्ज सिर्फ दो वारी वरत्या गया, तीसरी वारी किते शब्द शहीद नहीं आया। पहला इस शहीद लफ्ज की वरतों गुरु नानक साहिब महाराज जी की रचना विच है, दूसरी शहीद लफ्ज की वरतों भगत रविदास साहब महाराज जी की बाणी विच है। गुरु नानक साहब जी दे बोल ने पीर पैगंबर सालक साधक सौदे और शहीद, उत्थे लफ्ज पहली बारी शहीद आए। दूसरा गुरु ग्रंथ साहब का मलार राग है, उस विच हजूर ने यह शब्द वरत्या है भगत रविदास साहब जी ने मानिए शहीद का लफ्ज वरत्या है। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब विच दो वारी शब्द शहीद और शहीदा आया है। जे असी शहीद के कंसैप्ट नूं देखिए शहीद की है, क्योंकि शहीद लफ्ज नूं वाचन लई सानूं इस्लामिक मत नूं थोड़ा बहुता जरूर वाचना पएगा, क्योंकि भारत विच शहीद लफ्ज है ही नहीं सी। ई कह लवां कि गुरु अर्जुन देव की शहादत ही एक नवी क्रांति लैके आई है। बली है, पर बली का अर्थ परोपकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच आरे नाल चीरन का जिक्र किया जाता है, पर जिस ढंग नाल भाई मती दास आरे नाल चीरे गए वह आरे का कंसैप्ट नहीं सी। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन होंदा है, मन कामना तीर्थ जै बस्यो सिर कर वत तराए, मन की मैल ना उतरे ए बिद जे लख जतन कराए। उत्थे क्योंकि बनारस विच आरा है अपने स्वर्ग की प्राप्ति लई, अनडिठे सुख की प्राप्ति लई लोग अपना आप सब कुछ दान करके उस आरे दे नाल अपने आप नू चरवा लेंदे ने। पर याद रखियो पारोपकार की खातर किसी की बांह पकड़न की खातर नहीं, वो आरे नाल चीरिया जाना अपने अदृष्ट सुख की गल कर लवा, स्वर्ग मिल जाए मुक्ति मिल जाए। पर जिहड़ा शहीद लफ्ज है असल च इस्लाम विच शहीद दा दे पंज दर्जे ने। साडी गुरमत च की है, साडी तवारीख च की है, असीं ओह वी देखां। इस्लाम के अंदर पहला दर्जा है शहीद, दूसरा दर्जा है शहीदे करबला, तीसरा दर्जा है शहीदे आजम, चौथा दर्जा है शहीदे वतन, ते पंजवा दर्जा है शहीदे मुहब्बत। पांच दर्जे, पर उंज दे सदी थोड़ी जी व्याख्या करिए।
शहीद का अर्थ है गवाह, नेकी दे रस्ते ते चलण वाला, अपने शरीर का बलिदान दे जाए, ओदा शरीर बिरस जाए, ओदे लई लफ्ज़ शहीद वरत्या जाता है। उंज दास बेनती करे, कुरान विच सूझवान सज्जन कहिंदे ने इस लफ्ज़ की वरतों 35 वार कीती गई शहीद, पर उत्थे कहा जाता है कि बंदे तू आ कर्म कर, अल्लाह इस गल का शहीद है, इहदा मतलब इस गल का गवाह है। उत्थे शहीद दा अर्थ करना मलना नहीं। इस्लाम विच तां इवन के जेड़ा बंदा बीमारी नाल संघर्ष करदे आ मौत हो जाए उन्हूं भी शहीद कहिंदे ने, घट्टो घट संघर्ष करता होया क्या है, उहदे लई लफ्ज़ शहीद है। दूसरा दर्जा है शहीदे करबला। सानू सब नूं पता है कि करबला दे मैदान विच हज़रत मुहम्मद साहब दे दोते हज़रत अली और बीबी फातिमा जी दे बेटे हसन ते हुसैन जिन्हां दी शहादत होई उस तपदे कोई मारू थल दे विच, ओ जदों मारे गए उस करबला दे मैदान विच जेडे मारे गए उन्हां दी लफ्ज़ वरत्या गया है कि शहीदे करबला, करबला दे मैदान विच शहीद होए। पर उस करबला दे मैदान नूं कई सज्जन चमकौर दी गड़ी नाल जोड़दे ने इक घटना करके, जिवें कहा जांदा है वी बाबा जुझार सिंह जंग च उतरे ने, ओह पाणी पीण वास्ते वापस आए। मैं एक बेनती करांगा, ये कवियां दे ख्याल ने, कल्पना है, असल च पाणी दी प्यास नाल करबला दे शहीद हज़रत हसन ते हुसैन दा जिक्र है। उस घटना नाल जोड़ के असीं गुरु दे पुत्रां दी व्याख्या करिए, ये शोभदा नहीं। कोई घटना नहीं साड़ी तवारीख विच कि बाबा जुझार सिंह वापस आए होण ते क्या होवे प्यास लगी है ते पिता ने मोड़ के क्या वे चाह चला जा इत्थे पानी नहीं, तेरा भरा पानी दे बाटे लैके बैठा। ये सिर्फ एक कल्पना है वाहगुरु जी। असल च करबला दे ने शहीद ने, उन्हां दी याद मुसलमान मनांदे। आप ये ना सोचो मैं इस्लामी मत की गल कर लग पिया, क्योंकि शहीदी वाला कंसैप्ट पहला क्लीयर होना चाहिए है कि गुरमत विच शहीद का दर्जा की है। जदों ताजिया कढ़ दे इत्थे तां नहीं होवेगा इन्हां मुल्कां च, पर इस्लामिक मुल्क जड़े ने इवन के भारत विच भी जिस दिन उन्हां दी याद मनाई जाती है ताजिया कढ़िया जाता है, अपने पिंडे ते संगल मारदे ने, छुरियां मारदे ने, खून नाल अपने आप नूं लत पत कर लेंदे ने, वह करबला दे शहीदां नूं याद पै करदे या हसन ते हुसैन नूं आवाज़ां मारदे। पहला है शहीद, दूजा है शहीदे करबला, तीसरा शब्द है इस्लाम अंदर शहीदे आजम। ये तकरीबन सारी वर्तन लग पे। असल च शहीदे आजम जेड़ा है ये पूर्व की पदवी नहीं, साडे मुल्क विच ये शब्द वरत्या जाता है शहीदे आजम किसी ते तर्क करके नहीं। इस्लाम विच जदों किसी शहीद नूं बहुत उच्ची पदवी देनी होवे, इवन के करबला दे शहीदां दा दर्जा देना होवे, ते उन्हूं ये पदवी दित्ती जाती है शहीदे आजम। इहदा अर्थ है सब तो वड्डा शहीद, शहीदे आजम। चौथा है शहीदे वतन, जिहड़ा अपने मुल्क की खातर मौत नूं स्वीकार कर लैंदा है उन्हूं शहीदे वतन कहिंदे आ। ते पंजवां है जिहड़ा अपने प्यारे की खातर सिर धड़ दी बाजी ला दिंदा है उन्हूं फिर शहीदे मुहब्बत कहिंदे। इह मतलब पंज दर्जे। पर बेनती करांगा गुरु ग्रंथ साहिब च ज्यादातर शब्द शहीद की थां ते मरना वरत्या। देखो जो गुरबाणी ने कह नूं ऐ टिक के मन नाल सुनियो, उत्तेजित नहीं होना मैं शब्द किहड़े वरतन लगा। गुरु ग्रंथ साहिब च ज्यादातर शब्द शहीद की थां मरना वरते, जिवें असीं ये पाठ भी करने। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जौ जौ तो प्रेम खेलन का चौ वरतने, पर एक पवित्र बचन पढ़ने पहला मरन कबूल, उत्थे शहीद लफ्ज नहीं, पहला मरन कबूल। जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास, जिवें असीं पाठ करने कबीर मोहे मरने का चौ, उत्थे लफ्ज भी मरना वरत्या। मैं बेनती करांगा जरूर इस शब्द वल तवज्जो दईए, मोहे मरने का चौक है, मरो तो हर कै द्वार,
मत और पूछे कौन कह परा हमारे बा। जदो फतेहगढ़ साहब मत्था टेकने ते जेड़ी बिल्डिंग है इमारत है ओदे उत्ते जेड़ा बोर्ड लिख के लाया ओदे च यही लिखिया है कि ऐसी मरनी जो मरे बोहर ना मरना होए। ए बाणी च दो वरी शलोक हुंदा लफ्ज उत्ते मरना ही वरत्या। इसे तरह आप जी देखो दशमेश पिता जी ने भी ए लफ्ज की वरतों की अपनी रचना च कहन लगे जब आप की औद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरू शब्द वरत्या। उत्थे भी लफ्ज उन्हें मरना ही वरत्या। मैं फिर बेनती करांगा कि गुरमत दे अंदर जेड़ी मौत है क्योंकि ना समझो मैं इतिहास तो एक पासे हो गया। मेरी इच्छा है हिस्टरी आप प्रचारक अपने ढंग ना रंग भर के सुना दे। ये भी सच है कि इतिहास किताब खरीद के भी आप पढ़ सकने हैं पर बाणी दियां कुंडियां खोलन वास्ते सच आवे उहदी कृपा चाहिए। इतिहास तो मैं सुनावांगा क्योंकि मेरी मैनू सब्जेक्ट दिता गया ते इतिहास नू अखां तो दूर नहीं करना। देखो शहीदां नू कदी जिंदगी च भुलाओ ना ते पता नहीं कि सतगुरु ने किन्नी कु कृपा कीती जिन्ना मर्जी लोग रौला पाई जान भुल जाओ सिख कदी अपने शहीदां नू भुल ही नहीं सकता क्योंकि शहीदां तो बिना इहदी अरदास ही नहीं पूरी होंदी। की अरदास पूरी हो जूगी इहदी? असी कहने भावें बच्चे का जन्मदिन हो पर असी मौत नू नाल लैके जन्मदिन की गल करने। बच्चे का आनंद कारज होवे लोग कहिंदे खुशी का काम पर चेते रखियो बच्चे दे व्याह की अरदास भी तां पूरी हुंदी है जे गुरु घर विच मर के प्रवान होया नू चेते करांगे। कि जदों असी ये पदा पढ़ने जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते ये मौत नाल संबंधित है पर उंज कदी पंथ एक जुट हो जाएगा एक सुरता कदी आएगी। ते याद रखियो अरदास दी पहली पौड़ी च कोई हमाकत नहीं किसे दी। अगे पंथ जेड़ा समय दे अधीन शब्दां दी तब्दीली कर सकदा। पंथ कह रहा कल्ला बंदा नहीं कोई। उत्थे जदों असीं तसियां दा जिक्र करने पर मैं अर्ज करांगा उत्थे आरियां नाल चीरना खोपरी लैनी बंद बंद कटना पर अगां के तसीए बिजली नाल भी मारे गए प्रेसां नाल भी मारे गए। किन्ने गंदे तो गंदे तसीए दिते गए पर फिर भी सोचियो ये ना समझो भी उन्हां दा जिक्र नहीं आउंदा। पहली जिहड़ी तुक सी उहने सारे विच लै लै जदों शब्द आ गया जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते ये शब्द इन्ना गहरा है किसे ढंग नाल भी मारे गए वह सारे इहदे विच शामिल हो जाते। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। हालांकि साडे कोल इक्को दियार ने भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कटिया पर उत्थे बहुवचन च जी बंद बंद कटाए खोपरी लुहाई नहीं खोपरियां लुहाइयां। चरखड़ी ते केवल प्यो पुत्र शहबाज सिंह ते शबेक सिंह नहीं चरखड़ियां ते चढ़े। आरे नाल तां भाई मती दास दा जिक्र करने पर उत्थे लिखिया आरियां नाल चीरे गए। इहदा मतलब ए सी कि गुम नाम पता नहीं किन्ने कु शहीद ने किते एक दा नाम वरत्या दूजा रह ना जाए। देखो इच बड़ी बड़ा बड़ा वड्डा ए गहरा सब्जेक्ट पता है जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म इत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुखाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चीरे गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां पर सब कुछ करके धर्म नहीं हारिया। अगली गल सिखी केसां सवासां नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। गुरमुखो ये लफ्ज रोज असी वरतने खां कि साढ़े दुख सुख व्याह जन्मदिन जदों तुसीं अरदास करदे हो कि शहीदां दे पदे नूं विच्चों कढ दिओगे? नहीं। ये साड़ी मर्यादा दा एक अंग है। फिर अर्ज करांगा कि आप उदरापन पंथ दे अंदर होर वंडियां पाएगा मर्यादा विच ही सुख है। वैसे मर्यादा लफ्ज़ दे अर्थ की ने? हुण तां साड़ी आपो अपनी मर्यादा। याद रखियो एक गुरद्वारे की मर्यादा दूजे नाल नहीं जी रलती। ये छड्डो जिहड़ी इत्थे मर्यादा थले भी उत्ते खंड पाठ वाले नाल नहीं रलनी उस कमरे च नहीं मिलनी।
उंज वैसे मर्यादा लफ्ज जिहड़ा है इहदे अर्थ की ने। मर्यादा लफ्ज संस्कृत का एक लफ्ज है जी मरिया। उस मरिया लफ्ज तो शब्द बनया मर्यादा। मरिया का अर्थ मरना नहीं उथे। मरिया का अर्थ है कि नदी के कंडे, खाल के कंडे, सूए के कंडे, नहर के कंडे, जेड़ा पानी किनारियां विच चलेगा, कंडियां विच चलेगा, एक दिन वह पानी अपनी मंजिल ते जरूर पहुंचेगा। जेड़ा गुरु ते दिते हुए कंडियां विच चलेगा, एक दिन रब दे घर तक जरूर पहुंचेगा। मर्यादा दर ते किनारियां विच चलना, आप हुदरापन ना करना। फिर अर्ज कह के गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिहड़ी मौत है इहनू जिन्ना को पाठ करके हुण समझ पई इहनू खौमे च ना लिजाणा। वाहिगुरु जी सच कह रहे हैं ते ना इहनू संगत नू प्रभाव पाउण लई भी मैं स्टडी कर रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अज तीकरा बोलता रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ने तीन तरह की मौत मनी, पर पाठ करदे एक दिन आया गुरु ग्रंथ साहिब ने चार तरह की मौत मनी। पर इस तो बाद भी पता नहीं अजे बाणी च होर किन्ना कु खोजांगे लभेगा। चार तरह की जिहड़ी मौत है उस विच पहली मौत है फिजिकल डैथ। शरीरक तौर पर जो जमया उन्हें मरना है। ये परमात्मा का एक नियम है। जी बाणी च पढ़ने जो उपजो सो बिनस है, जो जन्मै सो जानो मूआ, ते शब्द वरत्या है जिहड़ा जमया वह मरेगा। ते ये भी सच है कि मरण की किरिया साड़ी बॉडी नाल साड़े मां की कुख चो जन्म लेंदियां सार शुरू हो जाती। फिर सुने मौत कदी 70 साल बाद नहीं आती। मौत जिस दिन बंदा मरदा उस दिन नहीं आती। मौत का आना, मौत की शुरुआत साढ़े जन्म तो है। हाँ जितन बंदा मरदा उदन मौत अपना प्रोसैस पूरा कर जाती है। आना तो पूरा करना फर्क है ना। जिस दिन जन्म मेरा तुहाडा होया, जिन्हें भी असी इस धरती ते मनुख हाँ, असल विच मौत उस दिन शुरू हुई जिस दिन मां की कुख चो जन्म लिया। असी कहने फलाने बंदे ने इन्ने वजे आखरी सह लिया, आखरी सह निकलिया। चेते रखियो जे पहला ना निकलिया हुंदा ते आखरी नहीं सी आउणा। पहले ने शुरुआत की, आखरी ने कहानी खत्म कर दिती। फिर सुनो इस गल, पहला है तो आखरी है। जिहदा पहला नहीं निकलिया उहदा आखरी कित्थे निकलना। सच एवे कि पहला सवास जदों बॉडी च निकलिया, हुण जिन्ने असी बैठे हां कि असी मर नहीं रहे। जिन्हों असी जिंदगी कहने मरे हुए दिनों की काउंटिंग, मरे हुए दिनों की गिनती, जिन्हों आप उम्र कहने, असल च जिंदगी तो वो ही है जेडे दिन परमात्मा की याद विच वरते। बाकी तो मरिया की गिनती है दिनों की। असल च पहला सवास बाहर निकलिया उहदी मौत हुई, दूजा निकलिया उहदी मौत हुई। इंसान खांदा पींदा सब कुछ भोगदा है, पर सच एवें जिहदे अंदरों सब कुछ लैके वाहगुरु का शब्द भुल जाए, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मरियां विच मानदे, उहदी जिंदगी नहीं मानदे। एक गुरु ग्रंथ साहिब विच पवित्र बचन है जी, उस विच सारे गुणां का जिक्र किया, उच्ची कुल का जिक्र किया, ज्ञान का जिक्र किया, दौलत का जिक्र किया, ईवन के बुलारे का जिक्र किया। पर गुरु ग्रंथ साहिब अखीर ते कहिंदे सारे गुण चंगे ने, पर जिहदे अंदर परमात्मा की मुहब्बत नहीं, इन्ना गुणा वाला बंदा भी मरिया होया है। साई नूं भुलना भी मौत है। इस सतगुरु का वचन है जी, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। ते अगला लफ जे मृतक कही है नानका जै प्रीत नहीं भगवंत। वह मृतक है, मुरदा है। इहनूं गुरु रामदास जी ने बाणी च कहा कि जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो, तिन मात कीजा हर बांझा, तिन सुनी दे फिरै बिन नामै ओए खप खप मुवे करांझा सुनी दे। इहनूं सतगुरु ने बाणी च शब्द वरत्या, मर ना जाही जिन्हां विसरत राम। बाबा साहब ने शब्द वरत्या, जे दे नाला कप्या जे गल कप्पै चुख। उते शब्द वरते कहिंदे ने असल च जिन्हों परमात्मा की याद विसर जाए वह भी मुरदियां भी शुमार हुंदा है। उंज जे इस एक एक सबजैक्ट की कथा करांगे तो बहुत दिन चाहिए बाणी विचों। फिजिकल डैथ पहली मौत,
साई का विसर जाना, नाम का भुल जाना, सच ये भी मौत। तीसरा भाई साहब शब्द पढ़ रहे सन, मैं तां ले ली गल, उन्होंने एक तुक पढ़ी, तीसरी मौत सच एवं फिजिकल डैथ तो पहला कोई रब का नवाजिया मरद, जो वह मरद जी जिंदगी निकलती शरीरक मौत को मखौल करती है। आप मर गया पर शब्द विच मरन के बड़े गहरे अर्थ। गुरु अंगद साहब जी का एक बोल है जी, कहने आम बंदा जो शरीरक डैथ होंगी अखा के पोपटे खोलो तो कई बार कहने यह तो अंज लगता जिमें वेंदा पिया है, पर वेंदा तो नहीं ना, असीं कहने अंज लगता जिमें हुण उठ खलोने। शरीरक मौत हुंदी है, अंग प्रतीत हुंदे ने भी जींदे वर्गे ने, पर जिहड़ा शब्द विच मर जांदा है सच एवे वह अखां तो बिना भी दीदार करदा है, वह कन्नां तो बिना सुनदा है, वह जीभ तो बिना बोलदा है। इहनूं गुरु अंगद साहिब जी ने अपनी बाणी च कहा, अखी बाजों वेखणा बिन कन्नां सुनना, पैरां बाजों चलना विच हां बिन हत्थां करना। फिर मेरी बेनती प्यारिओ, सिखी दा मार्ग कला देह दा मार्ग नहीं, इह सुरती दा मार्ग है। इसे करके बाणी ने इस गल ते जोर दिता, जिस वक्त हजूर नूं सिद्धां ने पुछया तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, तेरे गुरु दा नाम की जिहदा तू चेला है, बाबा जी ने कमाल दा उत्तर दिता, कह लगे शब्द गुरु इह सब नूं चेते वे जी, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, उत्थे तां बौड़ी दा जिक्र ही नहीं ज्यादा कीता, देह दा जिक्र नहीं कीता। चेते रखो अज देह चेला स्वीकार दी पई है, पर सुरत तां बेमुख होके तुरी फिरदी है। देह कहिंदी मैं गुरु दा सिख हां, ते सुरत सच एवे पता नहीं किहड़ियां बेमुखताइयां च डको डोले टुब्बियां मारदी पई है। असल च चेला होवे जिहदी सुरत शब्द भी जुड़ जाए। ईवन के आनंद साहब सन्मुख की परिभाषा में तीन गल्लां कहीआं, जिहड़ा अंदरों गुरु ना रहिंदा है, जिहड़ा जीओ गुरु ना रहिंदा है, जिहड़ा गुरु तो परने तो बिना किसी होर दे परने ते नहीं जींदा, वो ही सन्मुख है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला, इहनूं आनंद साहब च कहा जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां साहब की बाणी। मैं इस गल ते जोर दे रहा, अंदर कमजोर होवेगा बाहर चढ़ती कला कदी नहीं जगाउणी, बाहर जज्बात हो सकते। गुरु साहब ने बाणी च एक प्रमाण दिता है, हजूर कहिंदे ने जिस रुख दियां जड़ां कायम ने पर जड़ कदी दिसदी तां नहीं, पत्ते फुल फल सब कुछ दिसदा है, जड़ कदी नजर नहीं आई। याद रखो जिहदियां जड़ां तंदरुस्त ने उह इच्छां ते फुल ते फल पत्ते दिंदा है, जिहदी सुरत कायम है उहदा जीवन ही लोकां दे जीवन नूं पल सकदा। गुरबाणी च शब्द आउंदा है जी, पहलो दे जड़ अंदर जम्मे तां उपर होवै छां, छां पहलां हुंदी है कि जड़ पहलां हुंदी, गुरबाणी सी पढ़ने ना। ते मैं फिर तुहानूं अर्ज करांगा प्यारिओ, इन्ना कोई दुनिया का पढ़िया कदी ईमानदारी नाल भावना नाल गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ के देखो। मैं ईमानदारी तां लफ्ज वरतिया, पाठता सी भी रोज करने, कल गुरमुख कह रहे 100 अंग किया जाता है 2-2 घंटिया च, इन्हें अभ्यासी पाठी भी नहीं पढ़िया जा रहा है, पर इहनूं गुस्से च ना लिओ, जीवन च उतरदा नहीं पिया। पर यह गल गुरु साहब ने कही 10वें जामे जदों कहा महाराज मैं इन्ना पाठ करना वा, तो गुरु साहब ने कहा कि करोलियां करन दे नाल तां प्यास नहीं जाती, पानी दे दिता प्यास लगी, उन्हूं कहिए तू करोली कर लै, तेरे गले तो थले नहीं उतरना चाहिदा। याद रखियो पानी मूंह विचों वेगा, गले तो थले नहीं उतरेगा तो प्यास नहीं बुझनी। पाठ तां बंदिया तू रोज करना है, पर गले तो थले उतरन तो बिना जीवन नहीं बनना। पर वह भी उदे सामने अरदास करिए, मैं बिल्कुल नैगेटिव नहीं बोलांगा, सिर्फ एक बेनती है कि प्रकरण च रहा कि जड़ा अंदरों है जीओ है, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै तां सन्मुख से कोई जीओ रहे, गुर नाले जीओ रहे वरत्या। अगला शब्द वरत्या गुर के चरण हिरदय त्याए, क्या जी त्याए क्या हिरदे वसाए ने उत्थे, गुर के चरण हिरदय त्याए जीओ रहे हिरदय त्याए। अगला बचन कहे अंतर आत्मा संभाले, हुण तिन्ने लफ्ज़ जिहड़े अंदर दे
अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रह परने गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सानमुख है। वो सानमुख है। गुरु घर विच पहली मैं मौत का जिक्र किया शरीरिक तौर पर मरना, दूजा नाम नूं भुल जाना, तीजा है शब्द विच मर जाना। जिहड़े शब्द विच मरदे ने तो मौत चो जिंदगी निकलती। असी बीज बीज ने सानू इंज लगता कणक का बीज खत्म हो गया। याद रखियो कणक का दाना जो बीज ने कोई बीज बीजो दाने का छिलका जिहड़ा वह एक पासे हो जाता है, पर उस छिलड़ के पाटन तो बाद जो पेड़ा निकलता कई बीजा जन्म दे जाता। मरिया है पर मरण तो बाद एक जिंदगी है। इनू साहब ने कहा कि शब्द मरो फिर जीवो सदकी ता फिर मरण ना होई। ये तीन तरह की मौत मैं अक्सर बेनती करता सा। चौथी तरह की मौत कह वह शहीद का मरना है, वह सुरमे का मरना है। सच ये वे शहादत बड़ी उची सुची है। शहादत भी कृपा तो बिना नसीब नहीं होंगी। गुरु ग्रंथ साहब एक बचन कहे तुहानू सब नू चेते मैं तुक बोलनी है, शहीद की मौत रिजर्व मौत कहे। तुरते संघर्षों में लखा बंदे ने हजारा बंदे ने पर सच ये जे मौत नू नसीब होंगी है जिहड़ा तुर तो लिखा के आया है। मरण मुनसा हक लफ्ज वरत्या जी रिजर्व है। हक दा अर्थ है सब लई नहीं, मरण मुनसा सूरिया हक है जे कोई मरण परवाणो मर भी जान ते परवान भी हो जा स्वीकार भी हो जा। फिर विषय विच रहना कि गुरु तेग बहादुर महाराज चलते इत्थे एक बेनती करनी चाहना। मैं उस दिन कहा सी गुरु तेग बहादुर की शहादत तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी दे ओ बचन जेडे दिल्ली दे हर गुरुद्वारे विच अरदास तो बाद पढ़े जाते, जेडे उत्थों दे सज्जन ने पता है सतगुरु गुरु तेग बहादुर की शहादत तिलक ते जंजू की खातर हुई। महाराज ने शब्द वरत्या पर उस विच इन्नियां रमजां पाईयां सी उन्हूं खोलन की थां सिर्फ एक कीता। हिंदू धर्म ने चेते रखियो गुरु की बख्शिश नूं एक खिते ते एक कम्यूनिटी नाल मत बन के देखियो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर शहीद होंदे पर मैं पहला एक बेनती कर देंगा, तीन सिख शहादत का जाम पींदे भाई मतीदास भाई सतीदास दोवें सके भरा ने। भाई दयाला जी बारह भरा ने, एक भाई अमरचंद की डैथ होंदी है सिर बुखार नाल ताप नाल, ग्यारह भरा गुरु घर विच शहीद होंदे। भाई दयाला साहब के भरा ही भाई मनी सिंह ने ना सके भरा ने, भाई मनी सिंह ते भाई दयाला जी बारह भरा ने, सिर्फ एक भाई अमरचंद जी की डैथ मैं अर्ज की ताप नाल होंदी है। ग्यारह के ग्यारह भरा जड़े ने गुरु चरणा शहीद होंदे। भाई दयाला जी थोड़ा जा आओ पावा के आप कहोगे सी तां साकियां की गल करनी सी पर थोड़ा जा पिछोकड़ वल मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु गोबिंद सिंह का देन कदी भी दुनिया नहीं दे सकती। गुरु गोबिंद सिंह का कर्ज असी सिख तो कदी उतार नहीं सकते, सानू तो तरले मारने पैंदे ने सिखो सिख बन जो। मैं ये भी कह के आया वक्त बदल गया जी, कदी समा सी पर अज भी कह टावे टावे बीज नाश नहीं होया। उदो एक पासे लालच पिया होया सी तेनू डोला दे देंगा तेनू जगीर दे देंगा तेनू आ कुछ दे देंगा तू केस मैनू दे दे सिक्खी मैनू दे दे। वह कहिंदा सी सब नू ठोकर मार देंगा सिक्खी नहीं देंगा। अज जी आखरे चो गिरफ्तार किया जाता है। तीन सिख शहीद होंदे 10 नवंबर ते 1675 नू चौंक जे चांदनी चौंक आप गए हाँ जी देखा होना आपने, उत्थे रोजाना संगत उत्थे स्थान भी चलो छोटा बना दिता फुलां दे सेहरे भी हुण जी कही है जी ये मनमत हो गई कई तो पता नहीं की सानू हो गया है भी ये जी मरिया की पूजा हो गई। जे इस पासे तुर पोगे चेते रखियो ज्योति स्वरूप की है, संस्कार है ना मरी हुई बॉडी का। फतेहगढ़ साहब की है, भाई तारू सिंह का शहीदगंज की है,
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। ਤਨ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਡੋਲ ਜੋਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਲਈ, ਮਨ ਸਹਾਇਕ ਮਿੱਤਰ ਭਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖੀਆਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਸਕਣਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਬ ਬੋਹਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੱਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਆਪ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਜੂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਚੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੌਤ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਇਸਲਾਮ, ਕਰਾਮਾਤ ਅਤੇ ਮੌਤ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜੰਜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਆਰੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ, ਲੱਕੜ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਗੇਲੀਆਂ। ਗੇਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਤੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੇਲੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਰੇਤੀ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਦੋ ਕੁ ਚਲਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ,
इत्थे तुहाडे चैनल सारे चलदे आ जी इंडिया दे, किसे चैनल च बाबा जोरावर सिंह दा नाम देखिया हिंदी दे चैनल च? बाबा फतेह सिंह दा नाम देखिया? खिमा करो, मैं किसे कम्यूनिटी नूं तर्क नहीं कर रहा। एक निक्का जा बुस्सा पानी होवे छप्पड़ चौथे कैमरे कई कई दिन फिट हुंदे ने, अज फलाना इशनान अज फलाना। ओ प्यारियो, जिथे निक्के निक्के गुरु दे बच्चियां दे खून दे तुपके डुले, किन्नी आसान फरमोशी उहदी कदी जिक्र भी नहीं कीता गया। ये दुखांत है साडा, असी भी नहीं दस सके। असी भी इस गुरुद्वारे तक सीमित आ प्यारियो, साडी कथा भी इत्थों तक सीमित है। असी दूजिआं नूं दस सके साडे नाल की कुछ वापरे? सिर इत्थे जकारा, मैं कहां तुसीं जकारे छड्डी जाणे। मेरी बेनती है कि जिन्नी वड्डी गुरबाणी ते जिन्नी वड्डी कुरबानी तुहाडे कोले दुनिया विच किसे कोल नहीं, ते जिन्नी बेतबाकी तुहाडे विच इन्नी किसे कोल नहीं दुनिया विच। शब्द क्या गया कि मैं दोवां विचों एक दी चोण तां करां जे दोनां दा स्वाद चख्या होवे। भाई साहिब नूं लक्कड़ च जकड़िया गया, गिलियां च बन्निया गया, सीस ते आरा चलाया। चलो मूर्तां वालिआं ने भाई दयाला साहिब दा चेहरा भी बाहर दिखाया होया उबलदी देग च, नहीं नहीं याद रखियो इस तरह नहीं। उन्हां दा बकायदा सिर थले करके उत्ते ढक्कण दे के थल्यों अग बाली गई सी, क्योंकि उबाला आवेगा पाप बन के। भाई साहब दे सीस ते आरा चलिया, सिर्फ कुछ कु आरे दे दंदे गए अंदर, खून का फुहारा सिर चो निकलिया। ते काजी अब्दुल बोहरा पुछदा, हुण दस दोनों चो की स्वीकार? उन्हां दे दाड़ा खून नाल भिजा मैं कि ना, तां मैं मरण की गल शुरू की। गुरमुखो, ये जिन्ने शहीद जे ये फिजिकल डैथ मत मनो, शब्द विच मरे कोई मरजीवड़ियां दा काफला है। ये शब्द विच मरे कोई सुरत विच जीए कोई सिखां दा काफला है। उन्हें क्या दोनों चो स्वीकार की? दाड़ा सारा खून नाल भिजिया। हस के कह लगे, दुनिया दा सुख बड़ा माने है, पर अज तीकरा आ स्वाद नहीं सी चख्या कि अंदर सिदक होवे ते सिर ते आरा चलदा होवे। इहदा पंजाबी विच वी एक सज्जन ने चार सत्रा लिखिया सन कि दो उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोलदे सुन काजी तरतीर, रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप, आरा मैनू भौंदा धर्म छड़ना पाप, टुकड़े इस शरीर दे करे जे लख करोड़, तां भी धर्म ना छोड़ सां तेरा दीन नी लोड़, आरा प्यारा लगत कह कारा करो बनाए, सिर जांदा ते जान दे मेरा सिखी सिदक ना जाए। हुण आरा चलिया। मैं कई बार कहना कि गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द जे जिन्हां दी असी कथा स्टेजां ते कीती पर असी जीवन नहीं जिया। कबीर साहिब ने एक शब्द बनारस की धरती ते उचारण किया, करवट भला ना करवट तेरी, आसा राग का शब्द है जी। मैं फिर बार बार तुहानू रिपीट कराई जाना, जे शहीदां दे दिन मनांदे हो किन्ने कि साडे च बैठे ने जिन्हां साहिबजादियां दी शहीदी ते सहज पाठ आप कीता। सच मैं बीज नास नहीं होण के गुरसिख तुहाडे च बैठे अपने मर चुकियां दीआं बरसियां धड़ाधड़ मनाई जाने आ। ओह गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां नूं वी कितें सहज पाठ करके चेते करिया करो। जिस दिन शहीदी दिन हुंदा ना, मैं तां भाई साहिब नूं कहांगा कि बकायदा हिस्से शुरू करो वी सहज पाठ उदन रख्या जाए। संगत नूं कहो पूरा साल दो दो अंग चार चार अंग कर लो, जिदन शहीदी वाला दिन होवे उदन पता होवे गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां दा शहीदी वाला दिन असीं पाठ करके मनाना है। इहदे नाल सानूं उहनां शहीदां दी किरपा मिलेगी। कईआं हुण कहना भी शहीदां दी किरपा कह दित्ता, याद रखियो सिख सैकी कदी भी शहीद नूं खत्म नहीं होण दिंदी। इह इह गल सुणन वाली है। असी कदी शहीद, तुसी दसो इन्ने बैठे आ कि साहिबजादियां दी हस्ती नूं असी मिटन दित्ता है 84 विच? इह होया ए, ए, इस करके नहीं, मैं गल इंडिया भी कही सी, मता कोई सोचे भी शायद इन्हां नूं खुश करन वास्ते मैं बड़ा पंथक हाँ, जो मैं हाँ
ओपन किताब हाँ, किसी भी चैप्टर नूं बंदा खोल के दे सकता है। ये गल वक्री, कोई चिक्कड़ सत्तन ते आ जाए तो उहदा कोई मुकाबला नहीं किया जाता हुंदा, पर यह सच है। 84 च बराड़ जिहड़ा होका दे रहा सी भारत माता का वास्ता, राष्ट्र का वास्ता, बाबा जरनैल सिंह वो गल कहिंदा सी, कहिंदे सन तुसी चमकौर दे शहीदां दे वारस हो, तुसी बाबा दीप सिंह दे वारस हो, तुसी बाबा गुरबख्श सिंह दे वारस हो। सिख साइकी कदी भी सदियां दे शहीदां नूं भी वर्तमान विच खड़िया कर लेंदी। फिर सुनो, जिहड़े सदियां पहलां शहीद हो चुके ने उन्हां दा नाम लैके उन्हां नूं असीं अज भी शब्द वरतने आ कि उठेगा बाबा जरनैल सिंह, वरतने आ ना, पर उन्हां दा ते भोग भी पा दिता। असीं कहिंदे उठेगा कोई सुखा सिंह महताब सिंह, उहदा कारण इह है कि सिख साइकी कदी भी शहीद की होंद नूं मिटन नहीं दिंदी, वह सदियां बाद भी खड़िया करके संघर्ष करना शुरू कर दिंदी। उहनूं पता है मेरे नानक है। भाई मती दास उन्हां दे सीस ते आरा चलिया, पुछया गया दोनों चो किहड़ा प्यारा, उन्हें क्या आरा प्यारा, अंतम इच्छा कहिंदे बस एक दो गल्लां नहीं जे मन सके, एक मेरा मूंह गुरु तेग बहादुर वल कर दी, दूजा मैं जप शुरू करने जप जी का भोग पा लें जीव तक। यही ने दो जी भाई साहब के सीस ते आरा चलिया। दास कई बार कहिंदा चांदनी चौंक विच हनेरे नूं हनेरा चानण नूं कतल करना है, चानण कदी कतल होवेगा हनेरे तो कदा चित भी लिखे। मैं फिर बेनती करा, हनेरा कला तो अपनी होंद रखेगा, कदी हनेरा कहो चानण के सामने ललकार के कह मैं तेनों खत्म करना आ। सूरज के सामने हनेरा कदी नहीं खलो सकता, हनेरे का भुलेखा मैं चानण मारन आया नहीं, चानण की अणहोंद का नाम ही हनेरा है। चानण आए कदी हनेरा सामने खलो के तो देखे, हनेरा चानण नूं कतल करना आ। भाई साहब जी लई शब्द मैं फिर वरतां, असी कबीर साहब का शब्द पढ़ने, करवत भला करवत भला ना करवट तेरी, सच एवे दे अर्थ भाई मती दास ने चांदनी चौंक च कीते। अदा अर्थ यही है कि तू पिठ ना करी, आरा मैनू चंगा लगता है। भाई मती दास उन्होंने जपजी शुरू किया, आरा शरीर विच गया। साड़ी तवारी कहती है कि गेली लकड़ भी चीरी गई, तन भी चीरिया गया, एक टुकड़ा खब्बे नूं उलर गया, दूजा सज्जे नूं डिग पिया, पर कहिंदे ने टुकड़िया विचों भी जपजी साहब की आवाज़ भी आउंदी सी। हुण कईआं दे मन च उठने भी इह करामात हो जाणी, टुकड़े विचों आवाज़ आउण लग पई। नहीं प्यारिओ, बाणी च बड़ी वड्डी शक्ति है, बाणी च बड़ी वड्डी कला है। अर्थो उर्द चराए सो डारा, परिओ पृथ्वी पर हवे द्वै फारा, दो फाड़ियां हो गईयां दो टुकड़े हो गया, दोनों तन ते जप जी पढ़े हेरत सब कह अचरज बढ़े। मैं इत्थे एक उदाहरण देना हुंदा अक्सर गुरु ग्रंथ साहिब चो कि बॉडी दे छड्डन तो बाद भी जिंदगी कोई है। गुरु ग्रंथ साहिब च एक प्रमाण दिता भगत रविदास जी ने कि मच्छी पानी चो पकड़ी जाती है, वो टुकड़े किए जाते, रिन्या जाता, उन्हें पकाया जाता, पर जो खाने वाला खाता रात को मच्छी के टुकड़े उत्ते पी के दंदा में बरीक कर दिता, पर वो रात में उठ के पानी मंगता है। ये तो एक जीव है जी, वो टुकड़े पानी मंग रहे ने, होंद नहीं उन्हों की। पर चेते रखियो गुरु तेग बहादुर का सिख है जिदे उत्ते नज़र गुरु तेग बहादुर की पैंदी पई है, जिहड़ा रुखां दे पत्तियां तो भी रब का नाम जपा सकता है। मैं तांगा आस्था बड़ी वड्डी चीज है। अर्धो उर्द चराए सो डारा, परिओ पृथ्वी पर हवे दवे पारा, दोनों तन ते जप जी पढ़े हेरत सब कह अचरज बढ़े। उस तो बाद भाई दयाला साहब ने इन्नी शब्द कहे कि सिख नूं चीरिया, तुसीं अपनी हकूमत दे पैर चीर दिते, उन्हां नूं देग विच उबालिया गया। पानी गर्म तपदा, पानी उत्तों ढक्कन, खड्डियां वखरियां ते चम वखरा है। भाई सतीदास रूह च लपेट के शहीद कीते, पिंजरे चो गुरु तेग बहादुर बोले। ये गुरु दियां साखियां च है
सरूप सिंह कोशक की ग्रंथ है, प्यारा सिंह पदम ने एडिट किया। मैं ग्रंथ का हवाला ता दे जाना क्योंकि अज इन्ना कु तर्क चलता भी गापी होगी उहदे विच हजूर फिर पिंजरे चो बोले। देखो टुकड़े पे उबलिया शरीर पिया, बजिया रून सड़िया पिया। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब ने तीन शब्द कहे, तन सिखी तन सिखी, तीजा शब्द क्या तन सिखी, ते पिंजरे चो आवाज आई, जिन्नी देर तक ये धरती रहेगी, जिन्हां नू चीरिया जिन्हां नू वड्डिया जिन्हां नू साड़िया, इस धरती दे उत्ते इन्हां दा नाम हमेशा चमकदा रहेगा। ये 10 नवंबर 1675 में गल शुरू की शहादत की। इस्लाम च पंज दर्जे ने पर सिखी च दो ने। चलो तुसी तुहाडा धन्नवाद बैठे गुरमुख, तुसी दंगा लफ्ज बदल के नस्ल कुशी कर दिता, बहुत चंगा होया। दंगा दो ताकतां दे विच हुंदा है। हुण देखो जदों असी शहीदां दी गल अपने च करांगे, साडे च दो धारावां ने शहीदां दीआं, एक साडे विच सबर वाली शहीदी है, दूजी साडे विच जुझारू शहीदी है। सबर वाली शहीदी है कि जालम जुल्म करदा है कुछ भी शब्द नहीं बोलना, पिंडे ते सब कुछ जर जाना है, ते जुझारू शहीदी है जे सबर वाली शहीदी नाल इहदा ढिड नहीं भरिया, हुण इहदा जवाब उस शस्त्र नाल जिहड़ा जिहड़ा शस्त्र इहने चुकिया। ये दो धारावां ने अज तक जी साडियां, जुझारू शहीदी ते सबर वाली शहीदी। ये तीन सिखां दी शहादत सबर वाली है। 10 नवंबर नूं ये शहीद हुंदे ने, 11 नवंबर नूं गुरु तेग बहादुर नूं शहीद किया जाता है, पर परिवार का जी कोई कोल नहीं। बेटा आनंदपुर है, माँ आनंदपुर साहब, महल आनंदपुर ने 11 नवंबर नूं सतगुरु नूं दोपहर वेले पिंजरे तो बाहर कढ़िया जाता है। जिहड़ी खूह है जी अज भी शीशगंज आप थले जाते सारे जल लेंदे जी, हाँ जी उत्ते प्रकाश है, जिथे थले भी जी वेखो आपो अपनी, हो सकता कईयां नूं मेरी गल फिट ना पवे, उत्ते प्रकाश है थले भी महाराज का सरूप रखे जो मत्था टेकने, वो इस करके डरने लोग थड़े नूं मत्था, ओ भले ओ थड़ा नहीं जे इत्थे गुरु तेग बहादुर का पवित्र खून डुलिया, इस धरती नूं तां नमस्कार। असी लकाने डर दे मारे भी उत्ते महाराज का सरूप रख दिओ, उत्ते ग्रंथी साहब बैठा थले सरूप पिया है, इस तरह ही शीशगंज तुसीं जाओगे थले हो पिया भी, इस करके लोग जिन्ना मर्जी कही जाओ अंदर की सैकी यही नहीं कहती भी थले महाराज का सरूप उन्होंने मत्था टेकना है, सैकी यही कहती है थले जाओ इतने गुरु तेग बहादुर शहीद हुए सन उत्ते नमस्कार कर। महाराज का सरूप तो उत्ते प्रकाश, वो खूह इस वरी वाहगुरु जी इनू होमे चना ले जायो। एक तो अपने सिखा दे जिन्ने थान ने अफ्रीका प्रसिद्ध ने गुरु घर शहीदा दे थान, वो हिस्टोरीकल ने इतिहासक मत कले को, ताजमहल इतिहासक है, कुतुब मीनार इतिहासक है, लाल किला इतिहासक है, जिन्निया थावां गुरु नाल जुड़िया ने शहीदा नाल जुड़िया ने सब स्पिरिचुअलिटी दे सोमे ने। एक कले इतिहासक नहीं, इत्थे रूहानियत है। मन मेरे चाया मैं मना इस खुई कोल बैठ के देखी, इनू मनमत च ना ले जायो। देखो गुरु ग्रंथ साहिब दा एक वचन है, हर बॉडी विचों औरा निकलदा है जी, तुसीं पढ़े लिखे जानदे हो, नैगेटिव भी है ते पॉजिटिव भी है। हुण असीं गुरुद्वारे बैठे हां, तुहाडे साडे अंदर टिक जाण के सारे दा सारा औरा जिहड़ा है ते पॉजिटिव हो जाएगा। इत्थे नैगेटिव औरे वाला बंदा भी चेंज हो जाएगा, ये सतसंगत दे औरे की बख्शिश होंदी है। ते जिहड़ा रूहानियत दा औरा है ये कदी मरदा नहीं हुंदा। हुण तां चलो साइंस बड़ियां गल्लां सिद्ध कर लग पई, अज तो 50 साल पहला जे कोई कहिंदा भी जेब दे विच्चों आवाज़ां आउणियां आपां कहिणा सा गप मारदा। हुण दसो आ साडा मोबाइल फोन इह शब्द की खेड है, शब्द की चीज़ है। सब मैं कल कहा सी सब तो तेज स्पीड शब्द की है, आ शब्द ही जिहड़ा स्पेस विच घूमदा इन्नी तेजी नाल जांदा है। रेडियो की ये शब्द की एक तरंग है,
वो शब्द बड़ी तेज दौड़ता है, एक सेकेंडा में शब्द वरता कितने सात समुद्र पार करके शब्द पहुंच जाता है। इस स्पेस में जिथे असी तुसी गुरुद्वारे बैठे हैं कि ये स्पेस खाली है, बिल्कुल खाली नहीं। इस खला दे विच, इस स्पेस दे विच वेव्स ने, तरंगा ने, रेडियो दिया तरंगा इत्थे ने, फोन दिया इत्थे ने, टीवी दिया इत्थे ने, नैट दिया सब कुछ कह, पर अदृश्य तरंगा उत्थे प्रगट हुंदियां ने जिथे इंस्ट्रूमेंट है, जंतर है। याद रखियो, गुरु जिथे बह जाता है उत्थे कली स्पेस नहीं हुंदी, उत्थे गुरु दी ओ बख्शिश दी तरंग हमेशा की रहिंदी है, जो भावना वाला बहिंदा उहदे सीने विचों प्रगट हो जाती है। कदी साहिबजादियां दी नीह कोल इस भावना नाल बैठियो कि असीं साहिबजादियां दे चरणां च बैठे देखो और किन्ना कु पॉजिटिव होवेगा। मेरे मन च आया जी, दो रातां मैं उत्थे जरूर बैठा, मैं तजर्बे चो ये गल कर लगा, सच्चे वे जिन्ना मर्जी रौला कोल पैंदा सी, खोई कोल बहन दी देर सी, बस एक बारी फुरना बनाउण दी देर, गुरु तेग बहादुर इशनान कर रहे ने, मैं चरना च आया, बस उस टाइम मन अपने आप नाम च जुड़ जाता है। ये थावां तोड़न वालियां नहीं सन, असीं तोड़ दित्तियां, क्योंकि मैं उदन भी कह सकदा दुखांत कह, कई सिख बेरोकार से वाले सिंह नाराज हो जाते हैं, तुसीं जिन्नियां मर्जी इमारतां बना लैंदे वो बूहा तोड़ दिता जिहदी कुंडी कदी गुरु नानक ने खड़का के कहा सी बेबे वीर तैनूं मिलना है कित्थे गई कुंडी। मैं तां कहा वह थावां नहीं कलियां, वह स्पिरिचुअलिटी सी। अज सच ए वे असीं कई वारी कह दिंदे मन मर्जी हाथ ला दिता, हाथ नाल की हो गया, आ डॉक्टर ओपरेशन करदे आ ना, आ जदों आ पिछे जिहा स्वाइन फ्लू चलिया सी, वह कहिंदे सन भी आ टूटियां भी चंगी तरह मांज लिओ, टिशू नाल हाथ लायो, क्यों? क्योंकि उत्थे हाथ लाया बैक्टीरिया तुहानूं बीमारी ना हो जाए। वह जिथे महापुरख शहीदां दे चरण पै होण, सदियां तक उत्थों दा ऊरा कदी मरदा नहीं होंदा, उत्थे टिका है। गुरु तेग बहादुर 11 नवंबर 1675 नूं हजूर नूं पिंजरे चों कढ़िया, इशनान कर ली, सतगुरु ने कहा इशनान करना, इहदा मतलब महाराज जी नूं इशनान नहीं कर दिता गया, इशनान करना है, इशनान किया। रुख सी जिथे महाराज थले बैठे, ना पटिया जाता कि चंगा हों, उस रुख के थले बैठिया किन्नी भीड़ कट्ठी हुई। दास कई बार बेनती करता है कभी भीड़ नूं धर्म मत समझियो, भीड़ वोटा की गिनती मिनती होंगी है, धड़िया की गिनती होंगी है, धर्मिया की कभी भीड़ नहीं होंगी, धर्म कमाण वाला एक अद्धा होंगे पर भीड़ा बदल जाता है, एक अद्धा होंगे। 1664 में गुरु हरकृष्ण साहब ने चलाना किया, 1675 में गुरु तेग बहादुर शहीद हो, सिर्फ 11 साल का टाइम है, 1664-1675 जिस दिन गुरु हरकृष्ण साहब सन उस दिन बंगला साहब अगे भीड़ा लगिया सन दुख कटाण वाले दियां, चेते रखियो जिदन गुरु तेग बहादुर का सीस कटिया जिन्हां ने तंदुरुस्ती लई भीड़ा बन के वह भी देखण आ गए सन। लोग स्वार्थी होंगे आ, मरजीवड़ा सिर्फ एक भाई जैता जिहड़ा बैठा, मैं कहना उस सिख नूं नमस्कार, ये साडियां दित्तां ने चौथा पौड़ा जी, ये मजहबी जी, वह साडा कित्थे प्रचार होना है, असी तो गुरुद्वारे नूं भी कहने पिंड च एक गुरुद्वारे साडे हैं, दो तीन जट्टां दे ने, दो तीन फलाणियां दे ने, तीन कुआ धरमियां दे भी, ये साडी शब्दावली। मैं कहना उस सिख नूं नमस्कार, मजहबी का अर्थ सी जिहड़ा सिर दे जाए पर मजहब तो कदी डोले ना। भाई जैता जी किन्ना सबर लैके अंदर बैठ, कहना सौखा है, ये भी पता है भी तीन सिख कल शहीद होए ने, उन्हें अखां नाल देखे ने, पर अखां चों पानी नहीं सिमण दिता क्योंकि गुरु तेग बहादुर का सीस लैके मैं आनंदपुर पहुँचना है। वो रात कित्थे पिया होवेगा, सवेरे उस भीड़ च आया है, उन्हें हजूर नूं इशनान करदिया देखिया, गुरुदेव ने देखिया होना भाई जैता इस भीड़ दे विच कै, क्योंकि सिख ने सेवा करनी है, सबर नाल इन्ना कु जर के बैठा है। मैं कहना उहदी कमाई नूं नमस्कार, किन्नी वड्डी जरांद उहदे अंदर होवेगी, ओए आपां जर सकने इन्ना कुछ, तड़प उठांगे, पर उहने इन्ना कु जरिया,
महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ब्रिक्ष दे रुख दे थले आए। यही क्या गया चार तीन गल्लें दोहराइया। उत्थे हजूर ने कहा लगी मौत स्वीकार है। उन्हें कहा मौत आ तलवार नाल। साहब कहन लगे बापू ने नाम ही तेग बहादुर रखे है। कला तेग चलाण का धनी नहीं और समा आया मैं तेग खाण का भी धनी हाँ। याद रखियो चला सारे लेंदे जे पर खांदे सूरमे होंदे। ताकत होवे किसी नूं मार लेना। महाराज जी ने कहा जब जी शुरू करांगा। मैं एक बार ये संबंधी साढ़े कवि संजी गुंचा जी चलाना कर गए ने। उन्होंने तेग लफ्ज के अर्थ किए। मैनूं याद है मैं बहुत साल पहला इत गुरुद्वारे एक बेनती की महाराज जी ने शब्द कहे कि औरंगजेब नूं कह दिओ मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी एक दो नहीं परख लै सौ तेगा। सिर्फ तेग लफ्ज ते मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी एक दो नहीं परख लै सौ तेगा। मैनू लगता है तेग बहादुरी का मेरे सामे नहीं सकदियां खोद तेगा। वह मैं तो जमदियां तेगा की छां माणी वेख बापू दियां पहलियां दो तेगा मीरी पीरी दियां तेगा। मैं तो जमदियां तेगा की छां माणी वेख बापू दियां पहलियां दो तेगा। मेरे पिता की अणख बहादुरी ते रहा परख दा तेरा प्यो तेगा। शाहजहां नाल लड़ाइया हुई रहा परख दा तेरा प्यो तेगा। हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने वाहणियां ओ तेगा। ओदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू लखां लैगी तेरियां खो तेगा। महाराज गुरु तेग बहादुर जपजी साहब का पाठ शुरू किया। मैं फिर बेनती करांगा वर्तमान च गुरमुखो जो मन ना टिके सुरत नाल जपजी साहब पढ़ के देखो। सुरत नाल जपजी पढ़ो क्योंकि जदों असीं बोलने आ मन इन्ना चला के उन्हू पता है भी दिमाग की चिप में 38 पौड़ियाँ चेते ने। कई बार सारा जपजी साहब पढ़ के मन कहिंदा सुनिया दी पौड़ियाँ ठीक पढ़ लिया संसारियाँ क्योंकि मन बड़ा उडारू है। जो कह दो भी जबान वाला जंतर बंद सुरत नाल किते एक टुक टुक खिलेगी अगे पिछे होवांगे मन नू पता लग जाएगा। सतगुरु ने जपजी साहब शुरू किया। हजूर ने केती छुट्टी नाल कह सीस झुकाया। जलालुद्दीन ने पूरे तेज जोर दे नाल हजूर दे गर्दन ते तलवार चलाई। ताड़े एक पासे सी ते सीस गुरदेव का एक पासे सी। तूफान उठिया। मैं सिर्फ सीस की यात्रा तक तुहानू लैके जाना। मिनट तुहाडे 10-15 लांगा सवेरे मेरे घर छुट्टी है। ते कल नूं मैं इहदी व्याख्या करांगा तिलक जन्यू राखा प्रभता का इहदे अर्थ की ने। हजूर सच्चे पातशाह दा सीस धड़ तों लहदा हो गया। भाई जैता सीस झोली च पा के तुरिया। दास ने सब तो पहला सीस की यात्रा संबंधी अर्ज की सी 11 नवंबर 1675 नूं दोपहर ढली हजूर शहीद हुए ने। 17 नवंबर 1675 नूं दुपहरे महाराज दे सीस दा संस्कार होया। किन्ने दिनां दा फर्क है जी। वह असीं तां कथा करदे भाई जैता सीस चुक्या आनंदपुर पहुँच गया। एवें पहुँच गया किन्ने दिन लगे किवें पहुँचया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का यह बोल कहिंदे ने सिखो मेरे पिता नूं गुरु तेग बहादुर नूं एक वारी भावना नाल सिमरो। तुहाडे घर च दौलत की कमी नहीं रहेगी। तुसी जिथे भी खलोवोगे मेरा बापू उत्थे तुहाडी मदद करेगा। तेग बहादुर सिमरिया पढ़ना है। प्लीज सिमरिया नहीं पढ़ना सिमरिया सिहारी नाल पढ़ना है। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निंद आवे ताए नाल शब्द क्या सब थाई होए सहाय। मैं सब थाई होए सहाय सिर्फ बेनती करनी चाहता। महाराज जी नूं शहीद किया भाई जैता सीस चुकिया। भाई लक्की शाह वणजारा भाई नगाइया उहदा बेटा उन्होंने धड़ चुकिया रकाबगंज वाली जगह। यह भी शायद आप जी नूं ज्ञात होना है भाई लक्की शाह वणजारा भाई मनी सिंह दे सौरा साहब ने। भाई लक्की शाह वणजारे की बेटी बीबी सीतो बाई भाई मनी सिंह जी दे नाल व्याही हुई है। इस परिवार की सेवा बड़ी वड्डी है जी।
ਉਹਨਾਂ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਏ ਪਰ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਧੜ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ, ਰੌਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਸਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੁਕਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਖੱਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜ ਲੁਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਤਰਾਵੜੀ ਕਰਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਾਗਪਟ, ਬਾਗਪਟ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਗਪਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗਪਟ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਤਕੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਬਾਹੂਦੀਨ। ਉਸ ਤਕੀਏ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਕੋਈ? ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਡਰਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਵਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਹੂਦੀਨ ਦੇ ਤਕੀਏ 'ਚ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ। ਉਹਦੇ ਘਲੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਖਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ, ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ, ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੋਬਨ ਸੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਸੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੱਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਠ ਲਾਨਾ, ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਧੋਬੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਲਾਈ, ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜੋ ਬਸਤਰ 'ਚ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਇਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਧੋਬੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਵਖਤ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਚਾਦਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਉੱਥੋਂ ਲਪੇਟਿਆ। ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਰਾਵੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਕੈਂਥ ਮਾਜਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦੇਵ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਸੀਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਿਰਹਾ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੇੜੇ, ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਵਸੋਂ ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਸੀਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ? ਬਸ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕੜਾ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਫਕੀਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਗਾਣੀ ਗਏ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਅਖੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ,
भाई जैता गुरु का सिख 16 नवंबर में पहुँचते हैं। चलो मैं सिर्फ बिल्कुल ब्रीफ गल की डिटेल च नहीं मैं गया, उत्थे फिर सुनेहा भेजते हैं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को कि पिता का सीस आया है। हुण मैं एक बेनती करा, कहना सुख है, तुसीं महसूस करके देखो 9 साल की उम्र है। तो महाराज ने उसने शब्द वरते, महाराज ने कहा जब हम कर्म धर्म वो आए देव लोक तो पिता सिवाए, असी सुर संभाली पिता जी चले गए। आनंदपुर साहब तो परिवार आया, गुरु तेग बहादुर साहब के माता नानकी जी आए, माँ उन्हां दे महल माता गुजरी जी आए, 9 साल का पुत्र आया, सारा परिवार कीरतपुर साहब आया। भाई जैता जी ओ सीस जिन्हों कई दिन का सीने न लाया सी गुरु तेग बहादुर जी के पुत के हाथों उत्ते रख दिता। मैं ता ही शुरू किया कि गुरु गोबिंद सिंह ओ महान सतगुरु ने जिन्हां ने कदी पिता का कला सीस हाथों ते रखिया सी, ते ओ महान पिता है जिन्हें पुत्र दे सीस ते हाथ रख के मैदान विच तोरिया सी। सीस देखिया पिता जी का, किन्ने ने सोहनी चौंकी बना के सीस रखिया गया। उत्थों दे आनंदपुर साहब दे वसनीक अजे भी हैं जी, उस वेले दे मोदन भी अर्ज कीती सी, उन्हां दे दर बदर पीढ़ी दर पीढ़ी ये गल चली आउंदी, ये इतिहास किते नहीं लिखिया। पीढ़ी दर पीढ़ी कहिंदे जिस दिन गुरु तेग बहादुर चले सन, माता नानकी जी ने सिर्फ यही कहा सी, पुत्र जिहो जिहा हसदा चेहरा गया मैं इहो जिहा दुबारा देखना है, मां आवेगा जरूर। सब तो पहला माता नानकी जी ने अपने दोनों हथां नाल पुत्र दे सिर ते हथ रखे, सीस चुकिया हथां नाल। मैं कहांगा कहन नूं कथा करन नूं मैं सौखा कह चलिया, उस मां ने जिहड़ी सारी जिंदगी नाल रही, उस पुत्र जदों सीस देखिया संगत दा की माहौल होवेगा। सीस देख के शब्द क्या, मेरा पुत मुस्कुराउंदा है। मात गुजरी जी ने मत्था टेकिया, इतिहास कहिंदा मत्था टेक के सिर्फ यही क्या, सतगुरु तुहाडी निभ गई मेरी निभ जाए। याद रखियो गुरु तेग बहादुर 54 साल की उम्र शहीद होए ने, माता गुजरी जी 82 साल की उम्र शहीद होए, 8 दहाकियां तो बाद 80-82 साल की उम्र। यह शब्द क्या, तुहाडी निभ गई मेरी निभ जाए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता का सीस देखा, उस मर्द अगमड़े सतगुरु अकाल का सुत सतगुरु, धर्म चलावन वाला सतगुरु, दुष्ट खपावन वाला सतगुरु, संत उभारन वाला सतगुरु, उन्हें सब तो पहला सीस लैके आए सिख नूं कुट के सीने न लाया, ते परी संगत क्या सी रंगरेटे गुरु के बेटे, ते तीजा शब्द क्या सी सदा पंत संग समेटे। ये शब्द घट वरत्या जाता, रंगरेटे गुरु के बेटे पंत संग समेटे। सतगुरु सीस लैके फिर कीरतपुर साहब तो कीर्तन कर दिया संगतां आनंदपुर साहब पहुंचिया। मैं बेनती करांगा जदों श्री आनंदपुर साहब जायो सीसगंज जरूर मत्था टेकिया। मेरी बेनती है 29 साल गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहब रहे, 29 सालों विच्चों जिस दिन आनंदपुर हाजरी है कोई दिन ऐसा नहीं जिदन पिता जी ने सीसगंज ते मत्था नहीं टेकन गए। महाराज 29-30 साल इतों फिर सीस गया आनंदपुर साहब पहुंचे, रात सीस रखिया। 17 नवंबर 1675 दिन चढ़िया, संगतां कठियां हुईयां, बहुत वड्डा इकट्ठ होया। फिर उस जगह ते जिथे अज गुरुद्वारा सीसगंज आनंदपुर साहब है, उत्थे फिर चंदन की चिखा चुनी, गुलाब के पानी नाल हजूर दे सीस दा इशनान कराया गया। उस चिखा नूं चुन के पिता की चिखा नूं 9 साल के पुत्र ने लांगू लाया, बस परिवार विचों पिता के सीस नूं लाया, बाकी किसे दूर नहीं, ना पुत्तां दे संस्कार किते ना मां दा किता।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਾਲ ਗੁੰਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਥੜੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਲੋਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਪਾਈ ਜਹਤਿਆ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਸਿੱਖੀ ਤਨ ਸਿੱਖੀ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਣਗੇ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ। ਉੱਥੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜਨਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧ ਨਿਖੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਧਰਮ ਖੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਖ ਹੈ, ਹੈ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਭੰਨਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਭੰਨਿਆ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵਾਚਾਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 7ਵੀਂ ਕਥਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 3 ਆ 3 ਸਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਓ ਮਨ ਸਭ ਦਾ ਟਿਕਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ, ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਓ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ।
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।